आधी रात को भोपाल एक्सप्रेस तेज गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सफर के बीच ही एक शख्स सिपाही की वर्दी पहनकर ट्रेन में घुसता है। वो बेपरवाह ढंग से सो रहे यात्रियों को सावधान करने की बात कहता है, लेकिन लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। यही नहीं, जब उसने पाया कि नाइट पेट्रोलिंग में जिस जवान की ड्यूटी ट्रेन में लगी है वो तो ट्रेन में है ही नहीं, जब वो इस बारे में दूसरे सिपाहियों से पूछताछ करता है तो कोई भी इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन जब पैसेंजर्स को पूरा माजरा समझ आया तो सबके होश ही उड़ गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे, सब हक्का बक्का रह गए। दरअसल कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहना यह शख्स असल में आईपीएस अधिकारी निकला। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस मोहम्मद इमरान वर्तमान में एसपी जीआरपी झांसी के पद पर है। ट्रेन में सुरक्षा के लिए चलने वाली जीआरपी की टीम कैसे काम करती है, जनता क्या व्यवहार करती है, इसी तमाम सच्चाई को जानने के लिए आईपीएस मोहम्मद इमरान ने सिपाही को वर्दी पहनकर ट्रेन में सुरक्षा ड्यूटी दी। भोपाल एक्सप्रेस में बीते दिनों आईपीएस अफसर मोहम्मद इमरान एक सिपाही बनकर ट्रेन में चढ़े। सफर के दौरान गेट के पास रिजर्वेशन वाली सीट पर सो रहे यात्रियों को चोरों से सजग रहने के लिए भी इमरान ने एक नया तरीका खोजा। मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो रहे यात्रियों का मोबाइल पहले खुद निकाला और फिर उनको जगाया। आपको बता दें कि कांस्टेबल बने आईपीएस अफसर मोहम्मद इमरान ने यात्रियों से कहा कि कहीं चोर आपका मोबाइल लेकर भाग तो नहीं गया। जब यात्री हड़बड़ाया तो उसका मोबाइल वापस देकर आईपीएस अफसर मोहम्मद इमरान ने सफर के दौरान सतर्क रहने की नसीहत भी दी। ट्रेन में सजगता से ड्यूटी दे रहे एक कांस्टेबल को आईपीएस ने सम्मानित भी किया। वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर ललितपुर जीआरपी के अधीन तालबेहट रेलवे स्टेशन के सिपाही को लाइन हाजिर भी किया। जीआरपी के सिपाहियों की पूरे सफर के दौरान कठिन ड्यूटी को देखते हुए आईपीएस इमरान ने एसपी रेलवे भोपाल को एक पत्र भी लिखा कि झांसी जीआरपी के सिपाहियों की ड्यूटी खत्म होने के बाद भोपाल स्टेशन पर आराम की भी व्यवस्था करने की अपील की है। आपको बता दें कि हर दिन ट्रेन में लाखों लोग सफर करते हैं, ऐसे में रेलवे विभाग भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय करता रहता है। जहां रेल पुलिस हर यात्री ट्रेन को एस्कॉर्ट करते हुए ट्रेन के साथ चलती है, वहीं कई बार जीआरपी के जवान अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे कई बार ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं हो जाती है। तो ऐसे में इस अधिकारी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस अधिकारी के कारनामे ने तो सबको चौंका ही दिया। हर तरफ इनकी ही चर्चा हो रही है। अक्सर इस तरह की कहानी हम और आप केवल फिल्मों में देखा करते हैं तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। लाइव सिटीज के लिए खुशबू की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।